हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। माय सेल्फ इज शहज़ूर और आज मैं आपकी खिदमत में एक और नए वीडियो और एक और नए टॉपिक के साथ आते हूं। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने परिंदों को कौन सी ऐसी मेडिसिन दें जो हमारे परिंदों को तमाम तर बीमारियों से बचा सके, मौसमी असरात से बचा सके। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल सैलाबों की सूरत हाल है और बारिशों का मौसम है, तो कौन सी ऐसी दवाई है जिससे हम अपने परिंदों को तमाम बीमारियों से महफूज रख सकें। तो मैं आज आपके लिए एक कैप्सूल लेके आया हूँ। ये कैप्सूल 5 रुपये का, लेकिन इसका काम 5,000 रुपये वाला है। इसका नाम ओक्ट्रामाइक्सिन है। ये कैप्सूल है, ये आपके परिंदों को तमाम तर मौसमी असरात से बचा सकता है, तमाम तर मौसमी असरात से बचा सकता है। तो ये कैप्सूल मैं आज आपको सिखाता हूँ कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो मेरे बर्ड्स उनके मुताबिक 1 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, उनके मुताबिक 1 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। तो 1 लीटर पानी में हम ये एक कैप्सूल डालेंगे। तो याद रखें, ये उन बर्ड्स को नहीं देना जिन बर्ड्स के बेबी हैं, क्योंकि ये वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं तो फिर ये कैप्सूल ख़तरनाक हो सकता है। याद रखें, उन बर्ड्स को नहीं देना जिनके बेबीज़ हैं। जी, जिन बर्ड्स ने एग दिए हुए उनको आप दे सकते हैं, लेकिन उनको नहीं देना जिनके बेबीज़ हैं। इसको अच्छी तरह हल कर देना पानी में। और कोई भी दवाई देने से पहले करीबन 5-6 घंटे पहले आप अपने बर्ड्स का पानी रिमूव कर दिया करें केस से, और कटोरी अच्छी तरह धो के इस तरह उल्टी करके रख दिया करें। कटोरी अच्छी तरह धो के, तो फिर जब आप पानी डालेंगे तो आपके बर्ड प्यासे होंगे और वो जल्दी जल्दी से सारा पानी ख़त्म कर देंगे। अब ये मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ। तकरीबन मैंने सुबह 9-10 के करीब इनका पानी रिमूव कर दिया था केज से, और अभी 2-2.5 का टाइम हो रहा है। तो अब ये प्यासे हैं तो अभी ये पियेंगे। और एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, जब आपने अपने बर्ड्स को मेडिसिन देनी है ना, तो इसको ये जो पॉट है इसको पूरा नहीं भरना। ये मेडिसिन तो इसके अंदर ही है। दोबारा हल करो। जब आपने अपने बर्ड्स को कोई भी मेडिसिन देनी है किसी भी किस्म की ना, तो उनका पॉट पूरा नहीं भरना, क्योंकि आपके बर्ड पे पानी में नहाएंगे तो फिर उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन या किसी और किस्म का इन्फेक्शन। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। हाला कम ते जाना है। हल कर। ये अब सही तरह हल हो जाए तो फिर मैं अपने बर्ड्स को दूंगा। ये आप किसी भी किस्म के बर्ड्स को दे सकते हैं, चाहे वो फिंच, जावा, कॉकटेल, ये कोई और किसी किस्म का बर्ड है। ये नुकसान देह नहीं है, और अगर आपके बर्ड्स बीमार हैं तो आप उन्हें 5 से 6 दिन का कोर्स करवाएं। और अगर आपके बर्ड मेरे बर्ड्स की तरह हेल्दी हैं तो उन्हें आप बस 2 या 3 दिन का कोर्स करवाएं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके बर्ड्स के लिए नुकसान देह हो सकता है। याद रखें, इस पेयर के 2 बेबीज हैं, इसलिए इसको मैं नहीं दे रहा, इसको सिंपल पानी दिया है, क्योंकि ये फिर नुकसानदेह हो सकता है। वैसे भी ये पेयर हेल्दी है तो इसे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और फ्रोई फिंचिस को तो आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि वो पानी में नहाती हैं, तो फिंच होगी, जावा होगी, वो पानी में नहाती है, तो इसलिए आपने बस उन्हें इतना पानी देना है कि बस वो पी सकें, नहा ना सकें उसमें, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है इन्हें। ये अभी इनके मेरे फिंच के दोनों मेल मार गए पिछले दिनों, ये बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो दोनों मेल मार गए। तो फिर अब इनके लिए मेल भी लेके आने,
तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।